तो फ्रेंड्स, हमें क्लेडिस को बनाने के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तीन मिरर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने तीन मिरर्स मार्केट से कटवा लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन मिरर्स चाहिए। इसे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे, ट्रायंगल शेप में से हम रख के आपस में से जोड़ देंगे। दोस्तों लोग, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से आपको अच्छे से परफेक्ट ट्रायंगल में से जोड़ देनी है। तो चलिए से हम आपस में इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम चिपका देते हैं। तो दोस्तों लोग, अब इसे हम कवर करने के लिए यहाँ पर आपको तीन कार्डबोर्ड के पीस चाहिए, देख सकते हैं। इसे आपको थोड़ा सा बड़ा लेनी है। यहाँ पर देखिए, दिखा रहा हूँ मिरर से थोड़ा 2 mm या 1 mm बढ़ा कर इसे कट कर लेनी है दोस्तों लोग। और इसका चौड़ाई भी थोड़ा, इस आईने का जो चौड़ाई है थोड़ा ज़्यादा इसे कट कर लेनी है, जिससे इसके अंदर ये आराम से फिक्स हो। इसे हम आपस में कुछ इस तरीके से रख कर हम पहले इसमें टेप मारते हैं, उसके बाद इसे मोड़ कर हम चिपकाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने चिपका दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिरर को अंदर फिक्स कर लेंगे दोस्तों लोग। तो फ्रेंड देख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें हम आईने को फिक्स कर दिया हूँ। क्या करेंगे, थोड़ा सा कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, क्या करेंगे इसके साइज का हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। देखिए मार्किंग कर लिया, हम क्या करेंगे इसके बीच में हम एक होल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कुछ इस तरीके से हम रख कर चिपका देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से मैंने चिपका दिया, देख सकते हैं। अब ये थोड़ा लुक अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों लोग, इतना हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रोटेट करने से हम बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह के एक पाइप लिया हूँ। इसी पाइप को हम क्या करेंगे, इस क्लेडोस्कोप में हम इस तरह से लगाएंगे, देख सकते हैं। इस तरह से हम इसमें फिक्स करेंगे दोस्तों लोग। तो दोस्तों लोग देख सकते हैं, इसे अच्छे से स्ट्रांग से फिक्स कर दें। अब हम क्या करेंगे, साइड में हम इसे हम पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम तीन पीस लेंगे कार्डबोर्ड के। इसे हम क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर इस तरह से रख के हम चिपका देंगे अच्छे से। अब हम एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेंगे दोस्तों लोग। तो दोस्तों लोग देख सकते हैं, मैंने अच्छे से यहाँ पर पीवीसी पाइप को यहाँ पर कार्डबोर्ड से मैंने घेर दिया हूँ। देखिए इसका लुक अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों लोग, इस तरह से हम एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, इसे हम थोड़ा अच्छे से
मोड़ लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप दोनों के सेंटर में इस तरह से रख कर हम इसे चिपका लेंगे दोस्तों लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर इस कार्डबोर्ड को मैंने अच्छे से चिपका दिया हूँ। अब मैं इस तरह से दो छोटे और कार्डबोर्ड के पीस लेंगे, फिर हम एक और इस तरह से कार्डबोर्ड का पीस लेंगे दोस्तों लोग। ये कार्डबोर्ड के ऊपर मूव करना है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर ये ऐसे मूव करना है। तो इसके साइज का आप इस एक पाइप जैसा बना लीजिएगा, या तो आप कोई पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं जो इसके ऊपर आराम से मूव करे। ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं रहना दोस्तों लोग। देख सकते हैं ये बहुत अच्छा से ये फ्रीली मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक कार्डबोर्ड का हम पीस लेते हैं। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों लोग, साइड में हम कुछ चीज़ तरीके से रख कर यहाँ पर हम इसे चिपका लेंगे इस तरह का, हम चिपका लेते इसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने अच्छे से कार्डबोर्ड के यहाँ पर मैंने फेविकोल की मदद से चिपका दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साइज का हम दो ग्लास लेंगे। ग्लास चाहिए, ट्रांसपेरेंट सीट आपको चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल चाहिए दोस्तों लोग। मैं यहाँ पर एप्पल का बॉटल यूज़ कर रहा हूँ। जो बॉटल आप देख सकते हैं, बॉटल में कोई एक तरफ प्लेन सरफेस होता है तो उस एरिया को हम कट करके निकाल लेंगे। आपको डिज़ाइन वाले यहाँ पर बॉटल यूज़ नहीं करना है, आपको प्लेन सरफेस वाला ही बॉटल यहाँ पर यूज़ करिएगा, वही आपको यहाँ पर बेटर लगेगा दोस्तों लोग। आपको डिज़ाइन जो ऐसे लाइन लाइन बना हो रहता है उसका बॉटल यूज़ नहीं करिएगा, जो जहाँ पर प्लेन सरफेस होता है उस हिस्सा को हम कट करके निकालेंगे। तो इस तरह से आप बॉटल यूज़ करिएगा। अगर आपके पास फीज का बॉटल है तो फीज का यूज़ करिएगा, नहीं तो आप चाहे फाइंटा का बॉटल यूज़ कर सकते हैं, कोको कोला का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा का हम कट करके निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने इस हिस्से को मैंने कट करके निकाल लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे कुछ से भिजाते हैं, फिर हम इस कार्डबोर्ड का जो जहाँ पे आप चिपकाए थे उस जगह को आप उल्टा कर दीजिएगा, जहाँ पर आप नहीं चिपकाए थे ना उस साइज का हम यहाँ पर कट करके निकालेंगे। तो हम अंदर से हम मार्किंग करेंगे दोस्तों लोग, क्योंकि हमें ग्लास को अंदर की ओर फिक्स करना है, इसलिए हम अंदर से दो पीस हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो तो मैंने दो पीस कट कर लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, कुट को हम इसके अंदर फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम ग्लास को भी इसमें लगा लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो तो मैंने अंदर फिक्स कर दिया हूँ। ये ग्लास बाहर नहीं निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे से जो कार्ड का पीस हम कट किए थे इसे हम यहाँ पर हम रख के फेविकोल से चिपका लेंगे। यहाँ पर हमको ज़्यादा फेविकोल यूज़ नहीं करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर फेविकोल डाल के छोड़ दीजिएगा। तो हम हल्का से फेविकोल डाल लेते हैं। तो चलो देख सकते हो अच्छे से मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को फिक्स कर दिया हूँ। देख सकते हैं अच्छे से मूव करता है, ग्लास भी बाहर नहीं निकलेगा, ये बॉक्स ऊपर को पाइप ही ये भी हमारा बाहर नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस तरह के और एक कार्डबोर्ड का हम पीस लेंगे, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर चिपका लेंगे दोस्तों लोग। तो चलो देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी मैंने कार्डबोर्ड को चिपका दिया हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे ये ग्लास कट किए थे इसे हम इसमें लगा के देखते हैं दोस्तों लोग। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो रहा है, इसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों लोग। दोस्तों देखे होंगे इसे हम लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने में थोड़ी दिक्कत होता है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों लोग, यहाँ पर छोटा सा हम एक कट लगा लेंगे। दोस्तों देख सकते हो तो इससे हमने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दिया है, जिससे हम कोई भी हम शार्प चीज के थ्रू इसे हम निकाल सकते हैं बाहर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चूड़ी का टुकड़ा हम इसमें डालेंगे, जो बैंगल्स होता है कोई सा भी बैंगल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर चूड़ी जो बैंगल्स होता है उसका मैंने चूर करके रख लिया हूँ। देख सकते हैं इस तरह से
छोटे छोटे पीस में आपको कट कर लेनी है। आप कलर्स कलर कलर बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू, कोई कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। सबको मिला के डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। और जो जो मोती वगैरह होता है, छोटा छोटा गोली मोती, वो सभी डालिएगा, उससे और अच्छा इमेज बनेगा। तो खैर मैं इतना ही था इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास और कुछ भी होगा तो उसे आप छोटे छोटे टुकड़े में डाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये चूड़ी को कम से कम इतना छोटा आपको कट कर लेनी है, लेकिन नहीं कट करेगा जिसे बड़ा कट करने से ख़राब लगता है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटा छोटा पीस कट कर लेनी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, देख सकते हैं इसे हम डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का जो ग्लासेस हम उसे पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऊपर से ग्लास को फिक्स कर दिया हूँ। अब तो हम इसका लुक थोड़ा अच्छा देने के लिए हम थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। चलिए से हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों लोग देख सकते हैं इसका मैंने लुक थोड़ा अच्छा कर दिया हूँ। देख सकते हैं कितना से मैंने पेपर चिपका के टेप लगा के इसका लुक थोड़ा मैंने अच्छा बना दिया हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो हम इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो चलिए इसका अंदर देखते हैं कैसे कैसे डिजाइन बन रहा है। देख सकते हैं वाओ कितना अच्छा से है, यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, देख सकते हैं दोस्तों लोग। फ्रेंड्स देखे हो गए इस कैलिडोस्कोप का डिज़ाइन कितना अच्छा से बन रहा था। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें दोस्तों लोग, जिससे मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक लिए बाय।